हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ। आज हम बात करेंगे जो पार्ट टू का केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस है उसके बारे में। ये क्लास 10th का है, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी। आप देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं बैलेंसिंग के लिए, तो ये सारे इक्वेशंस बैलेंस ही है ऑलरेडी। तो जब भी क्वेश्चंस देंगे और एग्ज़ाम में तो बिना बैलेंस के देंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस अगर करके जाएंगे तो इनमें से आपको ऑलमोस्ट 80-90% मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको तो मालूम ही है। पहला वाला जो हम देखते हैं, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे 2CO, ठीक है, यानी दो कार्बन, वहाँ पे राइट साइड में भी दो कार्बन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन, वहाँ पे, यहाँ पे दो और दो चार ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 × 2 चार ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद अगर जिंक कार्बोनेट देखते हैं, तो अगर इसको हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड रिएक्टेंट प्रोडक्ट आप लोग देखिएगा कि बैलेंस्ड है। जिंक एक है, कार्बन एक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे तीन है, और यहाँ पे दो और एक तीन। तो ऐसे करके आपको बैलेंसिंग के बारे में जानना पड़ेगा, और ये है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो आपको एग्ज़ाम्स में इक्वेशंस बैलेंसिंग इक्वेशन के बारे में पूछते हैं। उसके बाद है फेरस सल्फेट, तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो उसमें देखो आप, राइट साइड में Rn2 है, लेफ्ट साइड में Fe है, तो यहाँ पे हमने दो लिख के तो बैलेंस कर दिया। लेफ्ट साइड में सल्फर एक है, तो यहाँ पे देखो सल्फर यहाँ पे राइट साइड में दो है, तो दो करने के लिए सामने दो दिया हमने। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, तीन चार पाँच, ओके, तीन चार पाँच छः सात आठ है, तो ये अगर दो लिखते हैं तो 4 × 2 = 8, तो लेफ्ट साइड में भी आठ ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यानी फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। उसके बाद आप देखो लेड नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस पोटेशियम आयोडाइड विल गिव पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। तो यहाँ पर भी देखो, लेफ्ट साइड में लेड एक है, राइट साइड में लेड एक है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में आयोडीन कितना, दो है, तो यहाँ पे दो करने के लिए इसलिए हम लोग यहाँ पे दो दिए हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे NO3 2 है, तो NO3 2 करने के दो दिए हैं, तो दो अगर दिए तो यहाँ पे पोटेशियम भी दो हो जाए, तो लेफ्ट साइड में भी पोटेशियम के लिए हमको दो देना पड़ा। तो ये है रिएक्शन। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सब जानते हैं कि स्लेक लाइम है ना, और कैल्शियम ऑक्साइड सब जानते हैं क्विक लाइम है, और हीट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर भी आप लोग बैलेंस देखिएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैल्शियम का सब लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड बैलेंस्ड है, इक्वल है। अगर यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है, तो आप लोग देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं फिर से दोबारा बता दूंगा वीडियो ला के। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लेता हूँ आप लोगों के लिए, और आपका कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज गेन हो और सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। उसके बाद देखो, उसके बाद है कैल्शियम प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम प्लस HNO3 विल गिव कैल्शियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो दूसरा हम देखते हैं मैग्नीशियम प्लस HNO3, वो भी मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे नाइट्रेट मैग्नीशियम सारे बैलेंस हैं। उसके बाद हम देखते हैं एल्यूमिनियम और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, वो देंगे Al2SO4 3+H2, तो यानी हमको देंगे एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम सारे बैलेंस है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस है, सल्फेट सल्फेट बैलेंस है, हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बैलेंस है। उसके बाद आएंगे सोडियम कार्बोनेट और
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमको क्या देंगे आफ्टर रिएक्शन, देंगे सोडियम क्लोराइड और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों तरफ ही देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन सारे बैलेंस हैं। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिएक्शन होते तो क्या देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो यहाँ पर भी देखो कार्बन कैल्शियम लेफ्ट साइड, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड राइट साइड, देखो सारे बैलेंस हुए हैं। नेक्स्ट आप देखो जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पे जिंक एक है राइट साइड में, जिंक एक है, सल्फेट SO4 है, सल्फेट SO4 एक ही है, हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, तो यहाँ पे कोई ऑलरेडी बैलेंस्ड है। उसके बाद जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल गिव ZnCl2 प्लस H2 यानी जिंक क्लोराइड और वो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन दो है लेफ्ट साइड में, हाइड्रोजन एक है तो दो दे देंगे, जैसे दो दे देंगे तो क्लोरीन दो हो जाएगा, तो राइट साइड में Cl2 है, तो जेहतु Cl2 है तो राइट लेफ्ट साइड में हम क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, तो हाइड्रोजन भी दो हो जाएगा और क्लोरीन भी दो हो जाएगा। उसके बाद आते हैं वहाँ पे 13 नंबर पर, जिंक प्लस HNO3 गिव जिंक नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस N2O नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, तो सारे सब बैलेंस करेंगे, हम देखेंगे कि हमको 4Zn लिखना पड़ेगा, उसके बाद 10HNO3 लिखना पड़ेगा, उसके बाद 4Zn लिखना पड़ेगा, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस 5H2O प्लस N2O। तो देखिएगा लेफ्ट साइड राइट साइड पे जितने भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन जिंक नाइट्रेट हैं सब बैलेंस हो गए हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है दूसरा, जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हीट करेंगे तो क्या देंगे, सोडियम जिंकेट देंगे हमको Na2ZnO2 प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में सिर्फ ट्वाइस ऑफ NaOH लिखना पड़ेगा, बाकी सब बैलेंस्ड है। और एक थोड़ा है जो मैंने लिखा है रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, तो आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन किसे कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक एग्जांपल दिया है रेडॉक्स रिएक्शन का, मैंगनीज ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड का क्या देंगे, मैंगनीज क्लोराइड और क्लोरीन प्लस वाटर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मैंगनीज क्या होता है, मैंगनीज इज या उसमें रिडक्शन होगा, यानी वहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना, MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, यानी मैंगनीज ऑक्साइड ऑक्सीजन जो है वो वहाँ से वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। और दूसरा है HCl से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यानी जो गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा HCl में, तो HCl हट जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और क्या फॉर्म हो जाएगा, Cl2। या फिर इस तरफ से देख सकते हैं कि मैंगनीज ऑक्साइड है, ऑक्सीजन जब हट जाता है वहाँ से, कोई और सब्सटेंस आ जाता है, एलिमेंट आ जाते हैं, तो यानी वो पर्टिकुलर कंपाउंड क्या हो गया, रिडक्शन रिड्यूस्ड हो गया। और जब हाइड्रोजन कहीं से हट जाता है, तो उसको भी बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये है ओवरऑल एक आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। मैं और एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे डिटेल में बोलूँगा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में आते हैं फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो आप देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों तो मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और मैं ऐसे ही और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लें। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं दूसरे वीडियो पे।